सत्य जी को मंच पर स्थान दिलाने की कृपा करें। बीच की पंक्ति झांसी से आज के इस आयोजन में उपस्थित सम्मानित श्री ब्रजेश शर्मा जी मंच पर आतिथ्य स्वीकारें। अनुरोध है आदरणीय श्री विजय बागड़ी जी से कि वो हमारे आत्मीय निवेदन को स्वीकार कर मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और इस क्षण हम विशेष रूप से निवेदन कर रहे हैं मिथिलेश बड़गैया जी, प्रभा विश्वकर्मा जी और विनीता श्रीवास्तव जी सहित आदरणीय विजय बागड़ी जी को मंच पर स्थान दिलाने की कृपा करें। हमारे बीच में विदुषी मान्या निर्मला तिवारी जी यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं, उनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। मंच के बाद समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी कुछ क्षण बाद इस सभागार में उपस्थित होंगे, मार्ग में है। विजय बागड़ी विजय जी पिछले अनेक वर्षों से सृजन में समर्पित थे, एक ऐसे मनीषी जिन्होंने छंद विधा के माध्यम से देश के सृजन धर्मियों को कछार गांव तक जोड़ा हुआ है। कछार गांव एक छोटा सा गांव और एक ऐसा गांव जहां का सांस्कृतिक वैभव, जहां की माटी, जहां का वातावरण हम सबको प्रेरित और प्रभावित करता है। कछार गांव की चौपाल में जिन्होंने अपने जीवन साधना को समर्पित किया, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और चौपाल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक गांव का हिस्सा टुकड़ा, लेकिन बागड़ी जी चौपाल से चौपाटी यानी कि महानगर तक पहुंच गए। महानगर से वो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उन्होंने अपनी शब्द धर्मता से कछार गांव प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनकी दो कृतियां गीतों की मकरंद वाटिका और दिव्यांगना, ये दोनों कृतियां छांदिक कृतियां हैं। इन कृतियों को जब अपन पढ़ेंगे तो बागड़ी जी की अगर दिव्यांगना की बात की जाए तो बागड़ी जी ने रसों में एक विशिष्ट रस की स्थापना कर दी और वो है भक्ति रस के साथ सौंदर्य रस का समावेश। इनकी दिव्यांगना में भक्ति भाव है, इनकी दिव्यांगना के सौंदर्य को उसी स्वरूप में इन्होंने शब्दायित किया है, एक प्रतिमा रची गढ़ी और उसकी शब्दों के माध्यम से आराधना की। इनकी शाब्दिक आराधना का आज लोकार्पण है। गीतों की मकरंद वाटिका के गीत जीवन जगत मन भाव विचार और आस्था से जुड़े हुए ऐसे गीत हैं जो हमें गुनगुनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन गीतों के रस माधुर्य में हम वृंदावनी अनुभूति के साथ जुड़ते हैं। तो वो है आदरणीय विजय बागड़ी जी। तो विजय बागड़ी जी के लिए एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे, उनकी सजन साधना का अभिनंदन करेंगे। मंच पर आसीन देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्य मनीषी, एक ऐसे मनीषी जिनके जीवन चिंतन से हम सब प्रभावित भी होते हैं, जिनके व्यक्तित्व पर लगभग 20 विद्यार्थियों ने पत्रोपाधि की उपाधि अर्जित कर ली और 5 विद्यार्थी प्रतीक्षारत हैं। वो नाम है डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा जी का, जो फिरोजाबाद से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अनेक कृतियों के रचयिता, छंद हो गद्य हो, दोनों विधाओं में समान अधिकार के माध्यम से हम सबको प्रभावित करने वाले डॉक्टर श्याम सनेही जी, और उनके स्वागत के लिए हम निवेदन कर रहे हैं पाथे के अध्यक्ष सम्मानी श्री यशोवर्धन पाठक और मंथन श्री से सम्मानी श्री संतोष नमा संतोष।
तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। इस मंच पर है हमारे अतिथि सम्माननीय सत्य प्रसन्न सत्यजी। सत्यजी अपनी शब्द साधना से, अपने लेखन से, अपने गीतों से पूरे साहित्यिक परिवेश में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में हम सबके मध्य हैं। उनका सृजन, उनके अनेक कृतियों के माध्यम से समाज को प्राप्त सापेक्ष दिशा अभिनंदनीय है, वंदनीय है। मैं उनके व्यक्तित्व को भी प्रणाम अर्पित करता हूँ और अनुरोध कर रहा हूँ सम्मानी श्री प्रतुल श्रीवास्तव और मनोहर चौबे आकाश से कि वो सम्मानी श्री सत्य प्रसन्न सत्य जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। इस बीच हमारे मध्य आज के आयोजन के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक, देश की साहित्यिक संपदा के एक ऐसे मनीषी जिनके दर्शनों से हम प्रताप्त होते हैं। सम्मानीय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को मंच पर आदरणीय श्री विजय बागरी जी के मंच पर आदरणीय विजय जायसवाल जी स्थान दिलवा रहे हैं। सम्मानीय श्रीमती डॉक्टर चतुर्वेदी भी हमारे बीच में है, उनका भी अभिवादन। रश्मि पाठक श्रीमती जी का भी अभिवादन। सम्मानीय विजय जायसवाल जी, जबलपुर में जिस मेले को देखने हजारों की संख्या में लोग नित्य प्रति उपस्थित हो रहे हैं, शहीद स्मारक में अमर शहीद स्मृति मेले का संयोजन और उस मेले के संपूर्ण संयोजन का दायित्व जिनके ऊपर है वह आदरणीय श्री विजय जायसवाल जी। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ क्रम को तोड़ते हुए, क्योंकि तुरंत इसके बाद आपको मेले की व्यवस्था में यहाँ से प्रस्थान करना है, तो आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी और विजय जायसवाल जी संयुक्त रूप से आदरणीय विजय बागरी जी को पगड़ी बंधन कर समादरे सम्मानित करेंगे। दादा आपके लिए मंच का स्थान गुंजन कला सदन की एक परंपरा पगड़ी बंधन कर अभिनंदन सम्मान। और ये पगड़ी बंधन आदरणीय विजय बागरी जी की शब्द साधना के परिप्रेक्ष्य में समर्पित है। डॉक्टर सम्मानीय कृष्ण राजपूत जी हमारे बीच में, उनका भी अभिवादन है। और अब आदरणीय श्री विजय बागरी जी, हृदय से कृतज्ञता आदरणीय विजय जायसवाल जी। इस आयोजन के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, और डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी किसी परिचय और किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है उनकी भाव अभिव्यक्ति जीवन दर्शन को जन सामान्य तक पहुंचाने। ये बात कहना चाहेंगे कि शब्दों को जिन्होंने साधते हुए परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचाया है, जिनके शब्द ब्रह्म की संज्ञा से जुड़े हुए हैं, जिनका चिंतन समाज सापेक्ष है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की ज्ञान रस धारा के माध्यम से भी समाज को दिशा दर्शन दिया, जिन्होंने अपने चिंतन पूर्ण आलेखों के माध्यम से हम सबको निरंतर दिशा दी, परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, हिंदी संस्कृत के विद्वत मनीषी, और उनके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री राजेंद्र मिश्रा और श्री मनोज शुक्ल मनोज जी, उनके साथ आदरणीय इंद्र बहादुर श्रीवास्तव जी। तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे। सारस्वत अतिथि के रूप में है लगभग 50 कृतियों के
रचयिता आचार्य भगवत दुबे जी। और जब भगवत दुबे जी का नाम आया तो ये उल्लेख करना भी आवश्यक है कि आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी ने लगभग 5-7 दिन में सैकड़ों की संख्या में बुंदेली में दोहे रचित किए, गजलें। और अभी इन्होंने 7 दिन में हिंदी में दोहा सृजित करते हुए एक विशेष स्थान अर्जित किया है। 7 दिनों में 700 से ज्यादा दोहे आपके सृजित हो चुके हैं। मैं अभिवादन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर आचार्य भगवत दुबे जी का। बिहारी का उल्लेख किया है, एक बार बिहारी नाम पर हम तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी का। बाल सतसैया, अनेक अनेक विभूषण आपके लिए दर्शक दीर्घ से आ रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि आचार्य भगवत दुबे, बस ये नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है। उनके शब्दों में जो शक्ति है, जो शब्दों में संपदा है, वो हम सबको प्रेरणा देती है। बाल विमर्श दुबो का नाम है। स्वागत के लिए हमारे बीच में सम्मानीय डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी जो सिहोरा से यहाँ उपस्थित है, आदरणीय नारायण तिवारी जी वो आए और आचार्य भगवत दुबे जी का अभिनंदन करें। मंच पर आसीन सम्मानित श्री ब्रजेश शर्मा जी के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर सलभनाथ यादव, आशुतोष तिवारी, आलोक पाठक कृपया आए और स्वागत करें सम्मानित श्री ब्रजेश शर्मा जी का। झांसी से आज के आयोजन में उपस्थित अनेक कृतियों के रचयिता, जिनके गीतों का माध्यम है हम सबको मोहित करता है आदरणीय श्री ब्रजेश शर्मा जी का अभिवादन, उनका अपाथे परिवार की ओर से अभिनंदन। दर्शक दीर्घ में एक और व्यक्तित्व उपस्थित है, उनसे निवेदन है वो भी हमारे मंच के बाजू में आकर स्थान ग्रहण करेंगे, आदरणीय श्री राजा अवस्थी जी। राजा अवस्थी, ठीक है कटनी से, बिल्कुल ठीक है, मैंने हाथ जोड़ के समझो, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं आदरणीय राजीव गुप्ता जी, कृपया मंच पर उपस्थित हो। सम्मानित श्री महक जबलपुरी जी, सूरज राय जी स्वागत करेंगे आदरणीय राजा अवस्थी जी का। सूरज राय, सूरज देश के प्रतिष्ठित जयकार, महक जबलपुरी जी, जिनको आज इस मंच से सम्मानित कर रहे हैं। भाई आप खड़े हो जाएं। अच्छा दे दो यार, दे दो। अरे कोई बात, बहुत हो गया हम लोग क्यों हो रहा है। श्री राजा अवस्थी जी का सूरज राय जबलपुरी जी अभिवादन। दादा प्रणाम। मंच पर आसीन है आदरणीय श्री विजय बागरी जी, प्रतीक अभिवादन गुंजन कला सदन द्वारा किया गया, जिनको आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित देवी सिंह ठाकुर डीएसपी पाटन अपने स्थल पर खड़े हो, हम तालियों के साथ आपका अभिवादन करना चाहते हैं। सम्मानित श्री शिव प्रताप सिंह बघे टीआई ओमती, सम्मानित श्री महेंद्र सिंह ठाकुर अधिभाटक गौरा कटनी, उनका भी अभिवादन है। हृदय से तालियों के साथ हम अभिवादन करें सम्मानीय रंजना गौतम कवित्री चंदिया उमरिया, जिन्होंने माँ सरस्वती के चरणों में भाव भरी वंदना प्रस्तुत की। सम्मानित श्री अनिल कुमार मिश्रा उमरिया से हमारे बीच में है, उनको भी आज हम समाधान सम्मानित कर रहे हैं। सिवनी से हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय प्रतिमा अखिलेश, उनका भी हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।
जिला पंचायत सदस्य कटनी सम्मान्य प्रगति राय है अपने स्थल पर खड़े होने की कृपा करें। उनका भी हम हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं और इस क्रम के साथ ही मंच पर जो व्यक्तित्व है उनको भी आज हम समादरित सम्मानित करेंगे। आयोजन का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना से और उसके बाद वंदना नृत्य से। सम्मानित श्री विजय बागरी जी लंबी यात्रा साहित्य की साधना की शब्दों के माध्यम से जिन्होंने अंतर हृदय को स्पर्शित किया है, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी सहजता, सरलता, सौम्यता, समर्पणशीलता हम सबको प्रभावित करती है, उनकी दो कृतियां आज आप सबके मध्य लोकार्पित होंगी। लेकिन इन कृतियों के लोकार्पण के पूर्व हम निवेदन करना चाहेंगे मंच पर आसीन सम्मानित श्री ब्रजेश शर्मा जी से कि वो कृपया शुभ भावनाएं आज के इस आयोजन में समर्पित करें। सम्मानित श्री ब्रजेश शर्मा। समस्त सुधीजन को हार्दिक अभिनंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं ब्रजेश शर्मा जी से आदरणीय विजय बागरी विजय, एक ऐसा नाम जो गीतों की दुनिया में अपना एक अलहदा स्थान रखता है। नवगीत के प्रांगण से गीतों के प्रांगण में सरक आने वाले और दिव्यांगना जैसे श्रृंगार मुक्तक संग्रह के रचयिता आदरणीय विजय बागरी विजय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनके गीतों की मकरंद वाटिका और दिव्यांगना दोनों सनातन छंदों पर आधारित गीत और मुक्तक हैं, जिनसे गुजरकर आप देखेंगे कि सृजन का आनंद कितना कल्पनातीत होता है। राजेश भाई ने बुला तो लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या पाऊँ, इतने बड़े बड़े लोगों के सम्मुख बैठा, बैठे हुए लोगों के सम्मुख, और मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए और आप सभी को हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। ये भाव अभिव्यक्ति थी आज के इस आयोजन में जिनको हम समादरित सम्मानित भी कर रहे हैं, आदरणीय श्री ब्रजेश शर्मा जी, आप एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। और अब क्षण है लोकार्पण के, छायाकार हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले हम पाथे के तत्वावधान में प्रकाशित दिव्यांगना श्रृंगार मुक्तक संग्रह का लोकार्पण करवा रहे हैं माननीय अतिथियों के कर कमलों से। अगर इस सभागार में सम्मानिया श्रीमती बागरी हैं, उनको लेकर सिद्धेश्वरी सराफ मंच पर आए। चिरंजीव दिलीप सिंह जी कृपया मंच पर आए। सम्मानित श्री दिलीप सिंह जी श्रीमती बागरी को सिद्धेश्वरी सराफ मंच तक लाए। चिरंजीव आदरणीय बागरी जी के आदरणीय दिलीप जी, दिलीप सिंह बागरी संभवतः वो व्यवस्थाओं में है, तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती बागरी से कि वो दिव्यांगना को आदरणीय विजय बागरी के कर कमलों में सौंपने की कृपा करें। ये दिव्यांगना है, ये वो दिव्यांगना है जिसके सृजन को बागरी जी ने भक्ति भाव से समर्पित किया है। तो ये समर्पण जीवन संगिनी द्वारा आदरणीय विजय बागरी जी को। विजय बागरी जी इस कृति को मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से लोकार्पित करवाएंगे। दिव्यांगना जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे, दिव्यांगना ये भावांगना है, ये धर्मांगना है।
ये बादरी जी की श्रद्धा भक्ति और भावों की अभिव्यक्ति है। दिव्यांगना का विमोचन माननीय अतिथियों के कर कमलों से, आदरणीय राजा अवस्थी जी भी सहभागिता दें, आप भी दिखाइए थोड़ा, एक बार तालियों के साथ सीख। दिव्यांगना कविवर विजय बागड़ी जी की ये कृति, सामना देखे, सामना देखे, एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। इस दिव्यांगना में श्रृंगार मुक्तकों का संग्रह है और एक ऐसा भाव है जो श्रृंगार की ओर आकर्षित भी करता है और श्रृंगार को पूजा के स्थल पर प्रतिष्ठापित भी करता है। एक क्षण के लिए आपको अनुरोध है सिद्धेश्वरी सराफ और प्रभा विश्वकर्मा जी से कि आदरणीय श्रीमती बागड़ी का मोतियों की माला से अभिनंदन करें। समय समाज संस्कृति की सर्जना के शिल्पी आदरणीय विजय बागड़ी जी, लोक मंगल सौंदर्य वार्तालाप, बैठिए। आदरणीय विजय बागड़ी जी की दिव्यांगना और विजय बागड़ी जी इनके व्यक्तित्व और इनकी रचना धर्मिता पर देश के प्रतिष्ठित साहित्य साधकों ने विविध भावों से अभिव्यक्ति दी है। दिव्यांगना में डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया, सत्य प्रसन्न सत्य, सम्मानीय ब्रजेश शर्मा जी, सम्मानीय मेहा मिश्रा जी और स्वतः भाव अभिव्यक्ति है विजय बागड़ी जी की। अब विजय बागड़ी जी समय समाज संस्कृति की सर्जना के शिल्पी, लोक मंगल सौंदर्य और रसराज के वरेण्य कविवर आदरणीय श्री विजय बागड़ी विजय की जीवन शैली की नेह प्रेम औदार्य और करुणा भाव का कीर्तन है। शब्दों की साधना में समाधि की अनुभूति करने वाले निर्विकार निर्भर और प्रेम विग्रह के आराधक आदरणीय बागड़ी जी का सृजन बाग देवी की केवल उपासना है। सम्मानीय विजय बागड़ी जी भाव शिल्प चिंतन श्रृंगार और सौंदर्य की प्रयोग धर्मी उपमाओं के शब्द धर्मी कवि हैं। इनके छंदों के मनोहारी और अर्थ गर्भित उजास हम सबको प्रेरित करते हैं। काया में इन्होंने कायनात की अनुभूति करने वाले सत्यम शिवम सुंदरम के भावों के साथ दिव्यांगना को रति सौंदर्य स्वरूप में प्रस्तुत किया है। उनकी चिंतन धारा, उनकी सृजन धारा को हम प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। कविवर ने इस दिव्यांगना में जो रस सौंदर्य, जो श्रृंगार सौंदर्य और जो भावों के सौंदर्य की अभिव्यक्ति दी है, उनकी अभिव्यक्ति वृंदावन के सौंदर्य की अनुभूति कराती है। उनको हृदय से नमन अर्पित करते हैं। रति की निराचना में समाधिस्थ होकर सजन साधना में लीन रस सिक्त कविवर विजय बागड़ी विजय का एक बार तालियों के साथ हम अभिवादन करें। पाथे की स्वस्थ परंपरा है जिनकी कृति का विमोचन होता है, उनको पाथे श्री अलंकरण से समादरित सम्मानित किया जाता है। आदरणीय विजय बागड़ी जी को सबसे पहले शाल श्रीफल अलंकरण से समादरित सम्मानित किया जा रहा है। श्रीफल माननीय अतिथियों के कर कमलों में सौंपे। आज आदरणीय विजय बागड़ी जी कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाएं। मंच पर आसीन यशस्वी अतिथिगण, आदरणीय इस फटिक की माला
आदरणीय विजय बागरी विजय जी को आचार्य भगवत दुबे आशीर्वाद स्वरूप अर्पित कर रहे हैं। शाल मंच पर आसीन डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी और समारोह के यशस्वी मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा जी, सम्मानीय सत्य प्रसन्न सत्य जी और अलंकरण समस्त अतिथियों के कमलों से। सम्मानीय विजय बागरी विजय जीवन और जगत के विविध भावों पर भाव शिल्प एवं चिंतन की धारा से समर्पित आपका सृजन अभिवंदनीय है। और आज ये उल्लेख करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि सम्मानीय विजय बागरी विजय जी का आज जन्मोत्सव भी है, तो जीवे शर्तन शतम की भावना के साथ हम उनका अभिवादन कर रहे हैं। यही भाव जो आप सब ने अपनी उपस्थिति से समर्पित किया, इसमें हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरी रचनात्मकता से पूरी सृजन धर्मिता से सतायु हो और 100 वर्षों तक पूरे आध्यात्मिक भाव से सृजन भाव से हम सबके मध्य अपने सृजन धर्मिता से प्रेरित प्रभावित हम सबको करते रहे। आदरणीय विजय बागरी जी जीवेम श्रद्धा शतम की कामना के साथ तालियों के साथ अभिवादन। पता नहीं कौन सा संयोग था, विजय बागरी जी 1 मई को जन्मे और जब जीवन संगिनी का उल्लेख हुआ तो उनकी जीवन संगिनी का भी आज ही के दिन जन्मदिन है। ये संयोग का है। मैं श्रीमती बागरी को मंच के मध्य में आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आए। रश्मि पाठक जो शाल लेकर आई है वो उनको समर्पित करेंगी। पहले बागरी जी अवतरित हुए थोड़ा जल्दी बीच में आ जाइए। सम्मानीय श्रीमती बागरी ये स्फटिक की माला आदरणीय विजय बागरी जी के कमलों से, सम्मानीय डॉक्टर चंद्रा चतुर्वेदी जी कृपया इस अवसर पर, सम्मानीय निर्मला तिवारी जी, आदरणीय छाया सिंह जी, हम अनुरोध कर रहे हैं सिहोरा से डॉक्टर अरुणा पांडे हमारे बीच में उपस्थित है, वो भी कृपया मंच पर आए। आदरणीय डॉक्टर अरुणा पांडे जी, अनीता श्रीवास्तव तमन्ना जी नीचे ही खड़े हो जाए, छाया चित्र हो जाएगा। आप दोनों खड़े हो जल्दी से सामने करो, केवल एक छाया चित्र के लिए। ऊपर ही आ जाइए, नीचे ये ऊपर मत चलना, यहीं खड़े हो। तुम स्टैंड लेके बैठे हो ना, मूव करो यार थोड़ा सा, कुछ फंक्शन से हमको मूवमेंट करना ही पड़ेगा। भैया जी ये सम्मान सम्मानीय श्रीमती विजय बागरी और बागरी जी को, दोनों का आज जन्मदिन है, जन्म दिवस के इस उत्सव और उल्लास के क्षणों में हार्दिक अभिवादन है। अगला चरण हो गया भैया, चाय से अगले चरण में हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय डॉक्टर गीता गिल, डॉक्टर संध्या जैन श्रुति, सम्मानीय सम्मानीय डॉक्टर शोभा सिंह जी कृपया मंच पर आए। आदरणीय अर्चना मलैया जी मंच के बाहर छाया चित्र के लिए उपस्थित हो। सम्मानीय कृष्णा राजपूत जी, विनीता श्रीवास्तव जी ऊपर आ जाइए मंच, और ऊपर ऊपर आ जाए मंच पे, ऊपर आ जाए, ऊपर ऊपर आ जाए जल्दी से, और जल्दी ऊपर मत चढ़ो। ओके रेडी, सामने देखिए, पहुंचे पहुंचे आप जल्दी पहुंचे और आ जाए।
ये छाया चित्र आदर भाव का, सम्मान भाव का, स्मृतियों का। इसके बाद हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित सम्मानीय मेघा मिश्रा जी, आदरणीय बागरी जी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं समर्पित करेगी उपस्थिति देकर। आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी, डॉक्टर छाया सक्सेना जी, पुष्पा गुप्ता, प्रांजलि, प्रीति मिश्रा, प्रभा विश्वकर्मा जी, सम्मान्य बिमला श्रीवास्तव जी, सामने देखिए, और हृदय से अभिवादन इस मंच का आदरणीय श्री विजय बागरी विजय जी का। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्नेह हम सबको निरंतर मिलता है। इन्हीं भावनाओं के साथ सम्मानीय श्री सुशील श्रीवास्तव जी वर्तिका परिवार से आदरणीय विजय बागरी जी को शॉल समर्पित करेंगे। आदरणीय श्री संतोष नेमा संतोष जी और मनोज शुक्ल जी भी कृपया मंच पर आए। इंद्र बहादुर श्रीवास्तव, श्री राजीव गुप्ता जी, श्री यशोवर्धन पाठक, श्री संतोष नेमा संतोष मंथन के सम्मानी श्री संतोष नेमा संतोष जो मंथन वर्तिका अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद, प्रभा विश्वकर्मा जी अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ वर्तिका, वो भी कृपया मंच पर पहुंचे। करतल ध्वनि से हम अभिवादन करें। इसके बाद अगली कृति है सम्मानीय विजय बागरी जी की, जिस कृति का नाम है गीतों की बकरंद वाटिका। गीत सौंदर्य, गीत की रसता, गीत की प्रियता और गीतों में जो संप्रेषणीयता होती है उन समस्त भावों को गीतों की मकरंद वाटिका में सम्मानीय विजय बागरी जी ने समाहित करते हुए हम सबको फिर उल्लासित उमंगित किया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से, आदरणीय दिलीप जी यदि यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, आदरणीय बागरी जी के चरण जी, तो वो कृपया मंच पर आए। आदरणीय बागरी जी, ये बागरी जी, गीतों की मकरंद वाटिका ये दूसरी गीत कृति और इस कृति में आदरणीय बागरी जी के विविध गीत, विविध भाव गीत। आइए बेटा, दिलीप जी हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय बागरी जी के चिरंजीव, तालियों के साथ हम अभिवादन करें गीतों की मकरंद वाटिका का। ये कृति है गीतों की मकरंद वाटिका। इस कृति में जो ये चित्र है ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें एक शिशु का भाव दिया गया है। आदरणीय विजय बागरी का अंतर मन भी शिशुवत है, लेकिन गीतों के जो सौंदर्य हैं, गीतों का जो प्रकाश है वो विलक्षण है। जब आप इस कृति के गीतों को पढ़ेंगे
तो गीतों की सौंदर्यता का आप अपने आप को अपने मन को ले जाएंगे। बहुत बहुत अभिवादन आप सबका, आप सबकी उपस्थिति का, तालियों के साथ हृदय से अभिवादन।